पवित्र पवित्र धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी आज की भोर के लिए, धन्यवाद आज की सुबह के लिए, धन्यवाद आपके नई करुणा के लिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ओ मेरे परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ आज धन्यवाद के साथ प्रभु जी, आज जितने प्रभु जी तेरे पास में प्रभु जी आज बैठे हैं खुदावन प्रभु मसीह यीशु के सामर्थी नाम में, हम सभी मसीह भाई बहन जो है आज प्रभु के पास में आज बड़े समर्पण के साथ विश्वास के साथ उस प्रभु को पुकार रहे हैं। आज प्रभु जो है आज आपके जीवन को भी बदलने वाला है, आज आपकी भी आज समय बदलने वाला है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा, परमेश्वर यहोवा एक ना एक दिन जरूर हमारे कामों को सफल करता है। वचन में लिखा है मेरे प्रियो, कदाचित रात को रोना पड़े लेकिन सवेरे आनंद पहुंचेगा। परमेश्वर के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, आप परमेश्वर पर भरोसा रखें। वचन में कहता है, हे जाति जाति के सब लोगों, यहो पर भरोसा रखो, उसके नाम को जो है ऊंचा उठाओ। वह हमारा परमेश्वर है, वह हमारा सब कुछ है, वह हमारा सरल स्थान और बल है, वह हमारा चट्टान है, वह हमारा परमेश्वर है जो हमको जो है दरिद्र और दीन को परमेश्वर यहोवा घूरे से उठाकर, परमेश्वर यहोवा मिट्टी में से उठाकर हमको ऊंचा करता है। इसलिए परमेश्वर पर धन्यवाद करो, परमेश्वर की महिमा करो, वो सचमुच में हमारे परमेश्वर यहोवा सहायता और मदद करता है। हमारे जो है हर एक कष्टों को, हर एक मुसीबतों को परमेश्वर दूर करता है, यीशु राजा हर एक परेशानियों को निकालता है। इसलिए आइए हम सब लोग, वचन के अनुसार कहता है परमेश्वर वचन, हे राज राज के सब लोगों, हे राज राज के जातियों, हे सब देश देश के निवासियों, तुम उठो, तुम प्रभु से प्रार्थना करो। आज तुम्हारे गांव के लिए, खुद के जीवन के लिए आज आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर यहोवा एक ना एक दिन आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा, और आज आपके लिए सचमुच में बदलेगा। आपका समय भी बदलने वाला है, आप भी आगे बढ़ेंगे, आप भी मेरे प्रिय, आप भी परमेश्वर की ओर से एक नई आशीष और नई बेदारी को प्राप्त करने पाएंगे, क्योंकि आज बंधन टूटने वाले हैं, आज सैतानिक शक्तियां नष्ट होने वाले हैं, वो सैतान के काम वो बंद होंगे। परमेश्वर यहोवा आपको आज आपके जीवन को बदलेगा आज, हालेलुया, क्योंकि बहुत परमेश्वर यहोवा आपके जो है पापों की ओर ध्यान नहीं देता था, आपकी ओर जो है कान नहीं लगाता था, आपकी जो है समस्याओं को नहीं सुनता था, लेकिन आज परमेश्वर यहोवा आपकी परेशानी को दूर करेगा, आपकी समस्याओं को निकालेगा, आपकी जो है हर एक परेशानी को निकालकर वो परमेश्वर यहोवा दूर करने वाला है। यीशु धन्यवाद, तारीफ हो, तारीफ हो, वो मेरे जीवित महान परमेश्वर पिता, महिमा की योग्य, तारीफ की योग्य, बड़ाई की योग्य, अति प्रशंसा की योग्य मेरे परमेश्वर पिता, वो धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर पिता जितने प्रभु तेरे बेटे और बेटी, जितने परमेश्वर पिता आज प्रभु तेरे पास में बड़े समर्पण के साथ विश्वास के साथ घुटनों के बल आकर वो घुटनों के साथ प्रभु जी प्रार्थना कर रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता, आज प्रार्थना करता हूँ मसीह यीशु के सामर्थ्य और परमेश्वर पिता, जिन्होंने आपकी ओर दृष्टि किया उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया प्रभु जी, उनको परमेश्वर पिता आपने उठाया, उनकी करुणा को प्रभु आपने और सचमुच में अपनी ओर से प्रभु जी बनी रहने दिया, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। हे राज के सब लोगों, ये जाति जाति के सब लोगों, उसके पवित्र नाम का धन्यवाद करो, उसकी स्तुति करो, उसकी प्रशंसा करो, उसकी तारीफ करो, उसकी बड़ाई करो। वो अनंत आदिकाल से अनादि काल तक, वो अनंत काल तक हमारा परमेश्वर है, हम उसकी प्रजा हैं, हम उसकी प्रजा हैं, हम उसकी चराई हुई वो भेड़े हैं, पर यह की स्तुति करो, उसकी करुणा सदा की है। वो परमेश्वर सचमुच में हमारे जीवनों को आज बचाता है, हमारे परिवार को बचाता है, वो हमारा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है जो परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, वो परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की ओर से बड़ी आशीष को पाएंगे। क्या ही धन्य है वह जो न्याय पर चलते हैं, जो हर समय धार्मिकता का आचरण करते हैं। हालेलुया, मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर, वो मेरा सुधि लेने वाला परमेश्वर, हमको प्रभु जी आप सुख समृद्धि देने वाला परमेश्वर, आनंद से भरने वाला परमेश्वर, हमको जीवन देने वाला परमेश्वर, हमारे पूर्वजों को संभालने वाला परमेश्वर, हमारे अधर्म को ठीक करने वाला परमेश्वर, हमको दुष्टता के मार्ग में चलने नहीं देने वाला परमेश्वर, मैं पिता आपको धन्यवाद देता हूँ। अरे गलती गुनाहों को पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर पिता, मैं आपके नाम को धन्यवाद देता हूँ। हमारे प्रभु जी हमारे शत्रुओं को आप पिता ऐसे मोड़ देते हैं जिस प्रकार पानी का धारा मुड़ जाता है, प्रभु जी प्रकार मेरे परमेश्वर हमारे शत्रुओं के मन को आप मोड़ देते हैं प्रभु जी, पिता धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, पवित्र 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 अति पवित्र महान परमेश्वर पिता, सेनाओं की यहोवा याकूब का परमेश्वर पिता, मैं आपके नाम को ऊंचा और ऊंचा उठाता हूं प्रभु जी। हे सब जाति जाति के लोगों, आज धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, क्योंकि परमेश्वर यहोवा महान है, परमेश्वर यहोवा की आशीषें अनगिनत है मेरे प्रियो। वो जीव जंतु, पेड़ पौधे, नदी नाले, जलचर, जहाज, हर एक मेरे प्रियो दिव्य जितने भी इस पृथ्वी में रहते हैं सब जन को आहार देने वाला वो परमेश्वर,
आज आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपके अस्तित्व को परमेश्वर ठीक करेगा, आपके जितने भी पाप है गुनाह उसको दूर करेगा। हे जाति जाति के सब लोगों यहोवा का धन्यवाद करो, हे राज्य राज्य के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो। हे परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद देता हूँ, हे सब जाति जाति के लोगों परमेश्वर का धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। यस यस यस, हाँ प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ, हाँ प्रभु जी मैं आपके नाम को ऊंचा उठाता हूँ, हाँ प्रभु जी आपके नाम को मैं धन्य और धन्य कहता हूँ। हे परमेश्वर पिता तू अपनी मुट्ठी को खोल कर तू इनको आशीष दे, इनको भी परमेश्वर पिता आज तू बदल दे, इनके परिवार में प्रभु जी आज एक बदल बड़े बदलाव का कारण होने पाए पिता, आज ये भी अपने परिवार में एक परिवर्तन को देखने पाए पिता। यह हमारा राज्य है, वो यह हमारा सब कुछ है, यह हमारा आशीष देने वाला, चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला, वो योजनाओं को सफल करने वाला, वो हमारी पुकार को सुनने वाला, वो संकट में सहायता देने वाला, वो हमारा प्रभु जी हमारी ओर अपनी कान को लगाने वाला मेरे परमेश्वर पिता, हमारे कामों को प्रभु आशीष देने वाला। ओ प्रभु जी मुझे तू शीघ्र उत्तर दे, प्रभु मुझे तू शीघ्र उत्तर दे, प्रभु जी जिस दिन मैं पुकारूं मुझे तू शीघ्र उत्तर दे। हालेलुया, अगर आप परमेश्वर के डर में चलते हैं, परमेश्वर आपके साथ में, परमेश्वर आपके निकट में है, तो वो परमेश्वर का वचन आज आपसे बात कर रहा है, मेरे प्रभु कह रहा है कि हे परमेश्वर अगर तू मेरी ओर है तो मेरे शत्रु कौन हो सकता है। नहीं मेरे प्रभु, अगर हमारे ओर परमेश्वर है तो हमारे शत्रु कोई नहीं हो सकता मेरे प्रिय मसीह भाई। इसलिए आज हम खुलकर प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करेंगे, वो खुलकर उसके नाम को हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे, वो खुलकर हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद और धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, पवित्र पवित्र अति पवित्र ओ महान परमेश्वर पिता, मेरे राज्यों के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हे सब पृथ्वी के सब ओ राजा उसका धन्यवाद करो, हे सब अधिकारियों परमेश्वर का धन्यवाद करो, हे सब नेताओं प्रभु का धन्यवाद करो, हे सब मंत्रियों परमेश्वर का धन्यवाद करो, हे सब ओ डॉक्टर नर्स हे सबको कह रहा है परमेश्वर को वचन, जाति जाति के लोगों अन्य अन्य भाषा बोलने वाले हे राज राज के सब लोगों देश से विदेश से अदर कंट्री से जो भी सबको परमेश्वर आज उसको कह रहा है कि हे सब लोगों परमेश्वर का धन्यवाद करो। क्या धन्य है वो जो परमेश्वर के वचन को मानता है। हाँ मेरे प्रिय मसीह भाई, आज आपके जीवन को बदल देगा, आज आपके भी समय बदलने वाला है। आप इतने दिनों से दुखी जीवन जी रहे थे, आप परेशान में थे, आप जो है दुख में कष्ट में मुसीबत में परेशानी में जीवन जी रहे थे, लेकिन एक ना एक दिन परमेश्वर यहोवा आपके जीवन को भी बदल देगा। जिस प्रकार परमेश्वर यहोवा ने एक दिन मेरे प्रभु हन्ना की प्रार्थना को सुना था, वो एलिय्याह की प्रार्थना को सुना था, वो दानियल की प्रार्थना को सुना, ओ प्रभु परमेश्वर ने जो है वो सदरक मेशक अबेदनगो की प्रार्थना को सुना, आपकी भी प्रार्थना को सुनेगा। आपका भी समय बदलने वाला है, आपका भी जो है समय बदलने वाला है, आपके परिवार में भी जो है बड़ी बदलाव परमेश्वर यहोवा देगा, आपके जीवन को भी बदलेगा, आपके मन को भी बदलेगा, आपके सोच और विचारों को भी परमेश्वर यहोवा बदल देगा। इसलिए आज मैं कहता मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, आज चाहे जितना भी पुकारो प्रभु यीशु मसीह को, वो प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला है। हालेलुया, चाहे दुख में हो, चाहे कष्ट में हो, चाहे मुसीबत में हो, कितनी भी परेशानी में हो, उस जीवित परमेश्वर को आज पुकारो, वो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन लेगा, आपके आंसुओं को पोछेगा, आपके जितने भी आंसू जो है उसको परमेश्वर पोंछ डालेगा। हालेलुया, और आपको मेरे प्रियो आपकी परेशानियों को एक ना एक दिन जरूर दूर करेगा। आप भी मेरे प्रियो इतने दिन से दुख में जीवन जी रहे थे, आपका भी दिन बदलेगा, आपका भी समय बदल जाएगा, आपका भी जीवन बदल जाएगा। वो परमेश्वर उद्धार करता परमेश्वर आपकी भी परेशानियों को, आपकी भी जीवनों को वो परमेश्वर बदल करने जीवन देगा। हालेलुया, पवित्र मेरे महान परमेश्वर पिता सेनाओं की यहोवा याकूब का मेरे परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, अद्भुत युक्ति करने वाला, योजनाओं को सफल करने वाला मेरे प्रभु जी, आपके नाम को धन्यवाद देता हूँ। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ पवित्र पवित्र अति पवित्र महिमा की योग्य, तारीफ की योग्य, ओ बड़ाई की योग्य मेरे परमेश्वर पिता, मैं आपके नाम को धन्य और धन्य कहता हूँ। और जितने मसीह भाई आज प्रार्थना को सुनेंगे, आज हर एक जन प्रभु जी तेरी ओर से बड़ी आशीष और तेरी ओर से बड़ी बेदारी को वो मांगने पाए मेरे परमेश्वर पिता, मैं आपके नाम को धन्य कहता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर पिता। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। आज आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आज आपका भी बदलने वाला है। आज विश्वास के साथ भूर के तड़के प्रभु से बातचीत करो, आज विश्वास के साथ उस प्रभु को पुकारो, विश्वास के साथ उस प्रभु को ढूंढो। हालेलुया, यस यस यस, रक्तम जय मेरे पवित्र परमेश्वर पिता, आज यीशु के नाम से बदल दो, आनंद के साथ उसके सम्मुख में आओ, भजन करते हुए और बीड़ा बजाते हुए मधुर स्वर के साथ उसके सम्मुख में जाकर आप परमेश्वर को पुकारो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपकी जो है परमेश्वर जो है विनतियों को पुकारों को सुनकर आपके परमेश्वर जो है नाम को ऊंचा करेगा, आपके लिए
प्रभु परमेश्वर यहोवा सहायता करने वाला है। वो हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर। एक दिन हमारा जरूर जो है हमारा न्याय करेगा, वो परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। इसलिए आज मैं कहता हूँ मेरे प्रिय मसीह भाई, आप जैसे भी हो, जिस भी स्थिति में हो, जहां भी हो, उसी समय परमेश्वर को पुकारो। आपको कभी नहीं कहना है कि प्रभु मैं जो है अकेला हूँ, प्रभु मैं जो है मेरे जीवन में कई प्रकार की कष्ट है, मेरे जीवन में कई प्रकार की समस्या है, कई प्रकार की मुसीबत है। आप प्रभु को जो है ये सब बहाना मत बताना मेरे प्रियो, आप जो है प्रभु को सच्चे दिल से पुकारो और प्रभु को ढूंढो, प्रभु को खोजो। वो परमेश्वर, जीवित परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देगा।